नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मोटोमॉफ की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कितना अच्छा होता कि जिस तरीके से हम जोमेटो, फ्लिपकार्ट या अमेजन से चीज़ें मंगवाते हैं और वो चीज़ें कुछ ही समय में हमारे पास पहुंच जाती हैं, उन चीज़ों की होम डिलीवरी हो जाती है, उसी तरीके से हम गाड़ी या जो व्हीकल हमारा मनपसंद है उसको खरीद पाएँ और कुछ समय में वो भी हमारे पास आ जाए, उसकी भी होम डिलीवरी हो जाए। एंड ये जो अभी स्थिति चल रही है कोरोना वायरस की, इस स्थिति में भी कुछ लोग जो प्लान कर रहे हैं या गाड़ियाँ लेना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बात बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं कि बाइंग कार ऑनलाइन, या हम बोल सकते हैं गाड़ी को ऑनलाइन बाय करना। आज की इस वीडियो में जो कुछ डाउट्स हैं या कुछ जो क्वेश्चंस हैं इस प्रोसेस से रिलेटेड, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे गाड़ी को हम ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी समय व्यर्थ किए आज की वीडियो करते हैं शुभारंभ। मैं हूं आपका होस्ट संतोष शान और आप देख रहे हैं मोटोमॉफ। और अगर आपने अभी तक मोटोमॉफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन दबाइए, मोटोमॉफ की फैमिली के साथ जुड़ जाइए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ अगली बार, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को लुभ उठा पाए। दोस्तों, अभी तक जो हम दो तरीके से गाड़ी बाय करते थे। पहला तरीका ये होता था कि हम फिजिकली जो है शोरूम में जाते हैं, गाड़ी को देखते हैं, डीलर से बात करते हैं, उसके बाद अगर हमें गाड़ी पसंद आ जाती है तो हम उसे बुक कर लेते हैं। सेकेंडली, जितनी भी हमारी लीड जनरेटिंग वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे हम अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करते हैं और जिस कंपनी में, जिस गाड़ी में कोई इंटरेस्ट है वो वहाँ पे हम उनको बताते हैं। यानी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को सेंड कर दी जाती है, जो कि हमें बाद में कॉन्टेक्ट करता है, उस गाड़ी की डिटेल्स प्रोवाइड करता है। एंड अगर वो गाड़ी हमें पसंद आ जाती है तो हम उसे बुक कर लेते हैं। बट जो है हमारी ऑनलाइन बाइंग प्रोसेस है कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे ये भी लोगों के मन में डाउट आते हैं कि भाई ये जो हमारी ऑनलाइन प्रोसेस है, क्या इसमें जो शोरूम्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, हमारे कोई भी शोरूम से लेने देना नहीं होगा, क्या गाड़ी डायरेक्टली जो कंपनी है वो हमें डिलीवर करेगी हमारे घर पे, अगर शोरूम हट रहे हैं तो क्या हमें डिस्काउंट मिलेगा, कमीशन अगर कम हो रहा है तो क्या हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सब जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पूरी प्रोसेस है वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है। दोस्तों, ये जो हमारा कार बाइंग प्रोसेस है ऑनलाइन, बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, ज़्यादा झंझट वाला प्रोसेस नहीं है। इसमें आपको करना क्या है, जो भी कंपनी की आप गाड़ी बाय करना चाहते हैं उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। फॉर एग्जांपल, आपको जो है होंडाई की क्रेटा का SX0 वेरियंट लेना है, तो आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, क्रेटा सेलेक्ट करना है एंड जो आप वेरियंट लेना चाहते हैं आपको वो वेरियंट सेलेक्ट करना है। वहाँ पे आपको उस वेरिएंट में क्या क्या फीचर प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी एंड आपके स्टेट में ऑन रोड प्राइस क्या है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है वहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। उसके बाद आपको डीलरशिप भी सिलेक्ट करनी है, नियर बाय आपको कोई भी डीलरशिप है या जिस डीलरशिप से आप देना चाहते हैं वो डीलरशिप आपको सिलेक्ट करनी है। तो इससे ये पता चलता है कि डीलरशिप जो एलिमिनेट नहीं हो रही है, डीलरशिप अभी भी हमारी प्रोसेस में है, वो अभी भी हमारे बीच में है, वो अभी भी उसी तरीके से काम करेंगी जिस तरीके से पहले काम कर रहे थे। अब बात ये आती है कि इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद क्या, हर कंपनी का अपना प्रोसेस अलग है, पर मेनली अगर हम मोटे तौर पे बात करते हैं तो इसके बाद होगा क्या कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड की है कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना है, आपका नाम क्या है, आपकी पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या हैं, ये सारी डिटेल्स जो भी डीलरशिप आपने सेलेक्ट की हैं वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को जो है प्रोवाइड कर दी जाती हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव आपको बाद में कॉन्टैक्ट करता है एंड आपका एक फाइल प्रिपेयर करता है, उसके बाद RTO में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, इंश्योरेंस ऑनलाइन बाय वो कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है पूरी कम्प्लीटली ऑनलाइन है, यहाँ पर आपको कोई भी फिजिकल मीटिंग नहीं होगी, आपको अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, सारी प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएंगी। The seasons come and go like thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. चलिए दोस्तों, अभी जो है हम इस प्रोसेस के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब इस प्रोसेस जो है इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस प्रोसेस के फ़ायदे क्या हैं, इस प्रोसेस के कॉन्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो बड़ा फ़ायदा ये है कि जो लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं या जिन लोगों को ने फिक्स किया हुआ कि भाई मुझे पर्टिकुलर यही गाड़ी लेनी है, इसी कंपनी की गाड़ी लेनी है, यही वेरिएंट लेना है और यही कलर लेना है, उनका सब कुछ पहले से फिक्स्ड है, उनके लिए प्रोसेस बहुत ही फायदेमंद है। उन्हें डायरेक्टली गाड़ी बुक करनी है एंड कुछ दिन के बाद, ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद कुछ दिनों बाद वो गाड़ी जो है उनके घर पर डिलीवर हो जाएगी, तो उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है।
सेकेंडली जो कि अभी हमारे हिंदुस्तान के अंदर COVID-19 को लेकर परेशानी चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, जिसके अंदर हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। तो इस प्रोसेस के जरिए जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी हमारी मेंटेन रहती है, जो कि यहाँ पे आपको कभी फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, जो भी आपकी प्रोसेस हो रही है ऑनलाइन हो रही है। एंड कभी कभी कुछ लोगों का शेड्यूल ऐसा होता है कि वो जो है गाड़ी लेना चाहते हैं पर किसी कारणवश वो गाड़ी ले नहीं पा रहे हैं, शोरूम पर जा नहीं पा रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनका बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। वो उन्होंने गाड़ी फिक्स की हुई है तो वो भी यहाँ पे खाली उनको ऑनलाइन जाना है, गाड़ी को सिलेक्ट करना है, कुछ दिनों बाद वो गाड़ी उनके घर पे आ जाएगी। तो ये थे इसके फायदे। अब बात कर लेते हैं कि इसे क्या कौनस हैं, क्या इस प्रोसेस के नुकसान हैं। तो जो सबसे बड़ा हमारा मेजर इसमें नुकसान ये है कि जो हमारे इंडियंस हैं, हमारी एक हैबिट है कि गाड़ी को परचेस करने से पहले वो गाड़ी को फिजिकली देखते हैं, उसका लुक एंड फील लेते हैं, टेस्ट ड्राइव करते हैं, बैठ के देखते हैं, ये देखते हैं कि गाड़ी हमारे लिए बनी है या नहीं बनी है। ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पाएगी कोई भी कंपनी, ये चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको लुक एंड फील नहीं मिल पाएगा यहाँ पे, चूंकि आपका पूरा प्रोसेस जो है कम्प्लीटली ऑनलाइन। दूसरा जो हमारा बड़ा कौन है वो ये है कि बहुत लोगों को शोरूम्स के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, उनको यह लगता है कि जो शोरूम्स हैं वो बहुत घपले कर रहे हैं, बहुत चालबाजी कर रहे हैं। तो ये चीज़ एलिमिनेट अभी भी नहीं हो रही है क्योंकि शोरूम जो है वो अभी भी वर्क कर रहा है, तो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो अभी भी बरकरार रहेंगे। चलिए दोस्तों, आप जो है कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ा डाउट है जो कि आप लोगों के मन में या आप में से बहुत लोगों के मन में आएगा, वो ये है कि गाड़ी में कितना वेटिंग लिस्ट है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, कब तक हमारे पास गाड़ी आ जाएगी या डिलीवरी कब तक हो जाएगी, इस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो इसमें जो आपका डीलर है या जो डीलरशिप आपने सेलेक्ट की थी वो सबसे अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि वही आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि कितने दिनों में ये गाड़ी आप तक पहुँच जाएगी, क्या वेटिंग लिस्ट चल रही है, या ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो कितने दिनों में आपकी ख़त्म हो जाएगी, एंड क्या क्या आपको पेपर वर्क सबमिट करने होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको डीलरशिप प्रोवाइड करेगा। बट कुछ कंपनीज़ हैं जो कि आपको ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे कि कितनी वेटिंग लिस्ट चल रही है, आपका जो रीज़न है उस रीज़न में गाड़ी कब तक आप तक पहुँच जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब जो दूसरी बात है जो कि आप में से बहुत लोगों के मन में आने वाली है वो ये है कि जब हर चीज़ हारी सारी प्रोसेस जो है ऑनलाइन हो गई है तो क्या हमें डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, आपको जो है डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा, पर जो डिस्काउंट की वैल्यू है, जो डिस्काउंट जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है वो हर कंपनी का अपना डिफरेंट हो। तो दोस्तों, हम ये डिस्कस कर लेते हैं अभी कि कौन कौन से कंपनीज़ ने ये जो ऑनलाइन बाइंग प्लेटफॉर्म है वो स्टार्ट किया है। तो सबसे पहला जो हमारा बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया, मारुति, उसने भी जो चीज़ शुरू कर दी है। वहाँ पर जब भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ई बुक का स्लॉट मिल जाएगा जहाँ से आप ऑनलाइन गाड़ी परचेस कर सकते हैं। होंडा ने भी ये प्रोसेस जो शुरू कर दिया, इसका उन्होंने नाम दिया होंडा फ्रॉम वर्क। फिर जो हमारी दूसरी कंपनीज आती है लाइक किया हो गई, हमारी फोर्ड हो गई, इन्होंने भी प्रोसेस शुरू कर दी है। और जो हमारी लग्जरीज कार की या स्पोर्ट्स कार की जो मैन्युफैक्चरर्स है लाइक हमारा जो मर्सिडीज़ है, ऑडी है, BMW है, उन्होंने भी ये प्रोसेस शुरू कर दी है। आने वाले कुछ समय में महिंद्रा एंड महिंद्रा भी जो है इस प्रोसेस को शुरू करने वाला है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि जो इंडिया में कार बाइंग का प्रोसेस है जो अभी तक हम फॉलो करते आए हैं बहुत ही डिफरेंट है, जो कि आगे आने वाले कुछ समय में हम फॉलो करने वाले हैं। अभी तक होता क्या था कि गाड़ी की जो कंपनी है वो गाड़ी को मैन्युफैक्चर करते हैं, शोरूम में जो भी हमें डीलरशिप उनको प्रोवाइड की जाती है, डीलर के पास हम जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी को हम बुक करते हैं, उनको अमाउंट पे करते हैं, वहाँ से परचेस करते हैं। पर अभी जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बहुत लोगों के लिए आसान नहीं होने वाला है, बहुत लोगों के लिए अभी भी कॉम्प्लिकेटेड उनको ये चीज़ लगने वाली है। आगे चल के फ्यूचर में कैसे हम इसे अडॉप्ट करते हैं देखने वाली बात रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और जो आपका ये ऑनलाइन बाइंग का जो मैंने आपको टॉपिक कवर किया है ये भी अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कुछ और डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर उन क्वेश्चंस का आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मैं था आपको होस्ट दोस्त निशान, आप देखे थे मोटा मोफ, अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।